अगर आपके मैथ्स में 60% से कम मार्क्स आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन तीन पॉइंट्स को अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो डेफिनेटली आपके 60% से ज्यादा मार्क्स आएंगे। पॉइंट वन, आपको अगर ये लगता है कि कोचिंग क्लास में जाकर के हम समझ लेंगे और स्कूल में नहीं समझेंगे, सही सबसे बड़ी आपकी मिस्टेक है। एक्चुअल में आपकी स्टडी आपको स्कूल से ही स्टार्ट करनी है, आपको कंसेप्ट समझना है, स्कूल के जो टीचर ने समझाया है उसको अच्छे से समझना है। सेकंड इज सिलेक्शन ऑफ कोचिंग क्लासेस। तो कोचिंग क्लास सेलेक्ट करते टाइम पे आपको लगेगा कि सबसे बेस्ट कोचिंग क्लास सेलेक्ट की जाए, और डेफिनेटली करना ही चाहिए। लेकिन अगर आप ये ध्यान दो, जो बेस्ट कोचिंग क्लासेस होते हैं उनके बैच में कितने होते हैं, 50 स्टूडेंट्स 60 स्टूडेंट्स। तो आप अपनी नीड्स को समझो, आपकी बेसिक प्रॉब्लम क्या है, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपको चाहिए पर्सनल फोकस, आपको चाहिए पर्सनल अटेंशन, जहां पे टीचर आपके कंसेप्ट्स क्लियर करे। तो डेफिनेटली 50 बैच के स्ट्रेंथ में तो आप कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाओगे। तो ऐसी क्लासेस ज्वाइन करो जहां पे 10 बच्चे हो, 12 बच्चे हो, उससे ज्यादा ना हो, सो दैट टीचर्स आप पे पर्सनल फोकस करें, तभी आपके मार्क्स और कंसेप्ट्स इंप्रूव हो पाएंगे। थर्ड पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कंसिस्टेंसी। आपको अपनी हैबिट बनानी पड़ेगी कि डेली एटलीस्ट 2 आवर की स्टडी करनी ही है। आपको मैथ्स की डेली प्रैक्टिस करनी है, मिनिमम 10 से 12 क्वेश्चंस की, जो आपको कोचिंग क्लास में पढ़ाया गया है और स्कूल में सिखाया गया है, उन क्वेश्चंस की डेली प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन तीन पॉइंट्स को अगर आपने अपनी लाइफ में डाल लिया, डेफिनेटली आपके मोर देन 60% मार्क्स आएंगे मैथ्स में।